कोविड-19 के कारण रांची नगर निगम को पिछले 2 वित्तीय वर्ष से राजस्व की हानि हो रही है, जिसकी वजह से निगम का हाल खस्ता है। पिछले वर्ष नगर निगम को लगभग 15 करोड़ का नुकसान हुआ और इस वर्ष भी राजस्व के घाटे का आंकड़ा कुछ ऐसा ही है। रांची नगर निगम के उप नगर आयुक्त रजनीश कुमार सिंह ने बताया कि वर्तमान में 47,000 होल्डिंग टैक्स देने वाले टैक्स पेयर ने टैक्स ही नहीं दिया है, जिस कारण थोड़ी परेशानी हो रही है। वहीं होल्डिंग टैक्स के 350 वैसे बकायादार हैं जिन पर काफ़ी ज़्यादा टैक्स है। वहीं रांची नगर निगम के राजस्व के घाटे को लेकर डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय ने कहा कि कोविड से न सिर्फ निगम बल्कि आम लोग भी बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। इस कारण सरकार को आम लोगों को थोड़ी राहत देनी चाहिए। हालांकि उन्होंने लोगों से अपील की है कि होल्डिंग टैक्स का भुगतान जरूर करें ताकि निगम लोगों को बेहतर सुविधा मुहैया करा सके। पूरे देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोविड का प्रकोप सभी जगह है और उसका प्रभाव अर्थव्यवस्था पर जरूर पड़ता है, पड़ा है। सभी सेक्टर बीमार हैं, लोगों के पास सरवाइव करना थोड़ा परेशानी का सबब है। इसमें होल्डिंग टैक्सेस का कुछ परसेंटेज कम होना स्वाभाविक क्रिया है जो इस तरह के आपदा में आती है। लगातार रांची नगर निगम, चाहे कोविड से लड़ने की बात हो चाहे शहर के साफ सफाई की बात हो, प्रयास करता है कि लोगों के शिकायतों को बिना पहुंचे ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। हम उसी में लगे हुए हैं। आम लोगों से भी अपील यही करते हैं, पिछले बार भी किया था मैंने, सरकार से भी अपील की थी कि कोविड के कुछ दिनों का मोहलत या डिस्काउंट लोगों को राहत पहुंचाने के लिए देना चाहिए, लेकिन सरकार ने अभी तक ये निर्णय नहीं लिया है। लेकिन नहीं लिया है तो आम लोगों को होल्डिंग टैक्स जमा करने की अपील मैंने पहले भी की थी, अभी भी किया है, और मेरा यही प्रयास रहता है कि निगम अच्छे से चले, निगम के रेवेन्यू में कोई नुकसान ना हो, जिससे कि किसी भी तरह से साफ सफाई या कोविड या बाकी अन्य चीज़ों से कोई अव्यवस्था ना फैले। तो इसमें मेरा यही कहना है कि लोग आगे आके होल्डिंग टैक्स जमा करें, जिससे कि निगम अपने कार्यों को सुचारू रूप से चला सके। सरकार से भी आग्रह कि जो संभव हो कुछ ना कुछ राहत आम लोगों को देने का काम।